कि क्या छुट्टी वाले दिन, क्या संडे के दिन हमको सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं आप ही के सवालों का जवाब और आपको अपडेट कर रहे हैं हर एक इंफॉर्मेशन से जो जुड़ी हुई है किसी भी तरीके की सप्लीमेंट से। दोस्तों आज एक सवाल, एक टॉपिक जो कि बार बार आ रहा है और स्पेशली रिक्वेस्ट आई है कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो दोस्तों वो टॉपिक है कि क्या छुट्टी वाले दिन, क्या संडे के दिन हमको सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है तो मैंने सोचा कि स्पेशल जो है इसके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको कुछ पता लग जाए, कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, कुछ नॉलेज मिल जाए कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा कि सप्लीमेंटेशंस होते क्या है। अगर हम यहां पर वे प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट का काम हमें समझना होगा। दोस्तों वे प्रोटीन सप्लीमेंट का जो काम होता है वो होता है हमारी मसल्स को रिकवरी प्रोवाइड कराना। पोस्ट वर्कआउट में हमको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, इंस्टेंट रिकवरी की जरूरत होती है जिसका पूर्ति करता है हमारा वे प्रोटीन। क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में दोस्तों हमारी बॉडी थकी हुई होती है, एनर्जी भी डाउन रहती है और हमको कुछ ऐसा फूड सोर्स चाहिए होता है जो कि जल्दी से एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाए और जल्दी हमारी मसल्स को रिकवरी दे दे। तो इसीलिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट काम आता है क्योंकि वे प्रोटीन जो है जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है, जल्दी मसल्स को रिकवरी देता है, इसलिए वे प्रोटीन को लिया जाता है पानी में। अब हम बात करते हैं कि क्या संडे को या आप छुट्टी वाले दिन वे प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते संडे को, रेस्ट दे रखते हैं, तो आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट का जो मेजर यूज होता है वो होता ही यही है कि आपके पास नेचुरल डाइट में कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो कि जल्दी से जल्दी अमीनो एसिड्स में ब्रेक होके जल्दी से जल्दी मसल्स को रिकवरी देना स्टार्ट कर दे। अगर आप पोस्ट वर्कआउट में दूध पीते हैं तो वो एक टाइम लगाएगा डाइजेस्ट होने में। अगर आप अंडे खाते हैं, अगर नॉन वेज कुछ और लेते हैं आप फूड प्रोटीन सोर्स के लिए, तो वो एक टाइम लगाएगा डाइजेस्ट होने में। तो हम वे प्रोटीन लेते इसलिए हैं ताकि जल्दी हो जाए काम। अब जब हम संडे घर पे हैं, जब छुट्टी वाले दिन घर पे हैं, हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वे प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज ना करके अपनी डाइट का यूज करें। अगर आप नॉर्मल दूध भी पी लेते हैं और दूध से ही तो वे प्रोटीन बनता है और उस टाइम हमको जल्दी है ही नहीं क्योंकि हमने वर्कआउट किया ही नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आप दूध से भी काम चला सकते हैं या नॉन वेज फूड जो भी आप लेना चाहे प्रोटीन सोर्स के लिए उससे काम चला सकते हैं। तो संडे या छुट्टी वाले दिन वे प्रोटीन लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बट दोस्तों अगर आप संडे वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी अपना फिजिकल वर्कआउट स्किप नहीं करते हैं तो हां आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर मास गेनर की। तो दोस्तों मास गेनर का काम क्या होता है ये समझते हैं। दोस्तों मास गेनर का काम होता है आपकी बॉडी ग्रोथ कराना, आपका वजन बढ़ाना, मसल साइज की भी ग्रोथ कराना। क्योंकि मास गेनर एक कंप्लीट मील जिसमें आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल सारी चीजें होती हैं। तो मास गेनर को आप संडे वाले दिन भी ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मास गेनर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने पोस्ट वर्कआउट में ले ली और इंस्टेंट रिकवरी दे देगी या इंस्टेंट डाइजेस्ट हो जाएगा। मास गेनर अपना एक टाइम लेता है और मास गेनर लेने वालों का, और मास गेनर लेना भी उसे चाहिए जिसको कैलोरी सरप्लस पे जाना है और वेट गेन करना है। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप संडे पे आप जो है फ्री हैं, घर पे हैं, तो आप जो है अपनी कैलोरीज को डाउन कर लेंगे। अगर आपका मास गेनर चल रहा है, डाइट भी अच्छी चल रही है, तो अगर आप संडे वाले दिन मास गेनर को हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको ही लॉस होने वाला है। क्योंकि आपकी उस दिन की जो कैलोरीज जो आपको मेंटेन करनी थी वो आपकी डाउन चली जाएंगी। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है एक्स्ट्रा डाइट ले सकते हैं, पर आप जब इनफ डाइट पहले से ही ले रहे हैं तो इसलिए मास गेनर को आप संडे वाले दिन जरूर लें अगर आपका चल रहा है। प्रोटीन को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बाकी मास गेनर को आप जरूर लें। और थोड़ी सी एडवाइस ये करूंगा कि मास गेनर आप संडे वाले दिन लें, छुट्टी वाले दिन लें, थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर कर लें यार, या वर्कआउट ना करें, हल्की फुल्की वॉक कर लें। क्योंकि मास गेनर जो है एक कंप्लीट थाली की तरह होता है जिसमें सभी तरीके का जो है फूड सोर्स है, प्रोटीन सोर्स भी है आपका जो है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी है, फैट सोर्स भी है। और जब आप जो है पेट भर के खाना खाते हैं तो सभी आपको एडवाइस करते हैं और ये जो है पुराने टाइम से एडवाइस करते आ रहे हैं और अच्छा भी होता है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि खाना खाने के बाद हमको थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए हल्की फुल्की, ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो स्ट्रांग हो जाए, वो अच्छा हो जाए और वो हमारा खाना जो है वो अच्छे से पच सके।
तो इसलिए आप मांस गेनर खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक जरूर कर लें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको। बाकी मांस गेनर का आपको जरूर यूज करना चाहिए अगर आपका चल रहा है, प्रोटीन को आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है प्री वर्कआउट BCAA की, तो दोस्तों उनकी भी वही कहानी है कि अगर आप वर्कआउट कर ही नहीं रहे तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों लेना, अगर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे तो आप BCAA क्यों लेना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं संडे को तो प्रोटीन, BCAA, प्री वर्कआउट, इस तरीके की जो सप्लीमेंटेशन है उनके लेने की कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप डाइट से कवर करने का ट्राई करें और एट द एंड यार डाइट ही हमारा जो है मेन बेस रहने वाली है। चाहे आप मास गेनर ले लो, चाहे आप प्रोटीन ले लो, कुछ भी ले लो, डाइट के बिना तो सब कुछ फेल है। तो इसलिए आपको डाइट पर पूरा फोकस रखना है, और मास गेनर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे आपको कंटिन्यू रखना है। प्रोटीन, BCAA, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को आप स्किप कर सकते हैं छुट्टी वाले दिन, और वो भी इसलिए कि आपको वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर वर्कआउट करते हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो संडे वाले दिन जो है ग्राउंड पे वर्कआउट करते हैं, कुछ अलग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप वो भी कर रहे हैं क्योंकि वो भी तो फिजिकल वर्कआउट है, तो भी आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई मन में डाउट रह गया है, मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ। तब तक के लिए फेक माफिया से बचिए, और ओरिजिनल सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट विला को याद रखिए, हमेशा ओरिजिनल विद GST बिल, करंट प्रोडक्ट फ्रेश लॉट के साथ ऑल ओवर इंडिया कुरियर सर्विस अवेलेबल है, आप ऑर्डर डाल सकते हैं। नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।